की क्लास में पावर पॉइंट का असाइनमेंट नंबर 3 हम करेंगे। इसमें क्वेश्चन पे आपको दिख रहा है क्रिएट ए पीपीटी प्रेजेंटेशन विथ एंड अप्लाई थीम्स एंड ट्रांजिशन। आपको थीम्स और ट्रांजिशन अप्लाई करने हैं, तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। इसमें आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे, इसके बाद आपको करना ये है कि आप अगर यहाँ पर दो तीन स्लाइड बना लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दो तीन स्लाइड क्रिएट कर देता हूँ, और दो तीन स्लाइड बनाने के बाद तो यहाँ पर हमको करना यह है कि इसमें ट्रांजिशंस और थीम्स अप्लाई करने हैं। तो थीम्स को लगाने के लिए बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है डिज़ाइन, और यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे थीम्स दिखाई दे रहे हैं। ये थीम्स को सेलेक्ट करते ही आपकी जो स्लाइड है इसके जैसे दिखने लगेगी, और जैसे मैंने ये वाली थीम सेलेक्ट की है, सेलेक्ट करने के बाद सारी स्लाइड उस थीम पर आ जाएगी, यहाँ तक कि इसमें फॉन्ट लिखा हुआ फॉन्ट, इसकी साइज़, उसकी पोजीशन, अलाइनमेंट, सारा का सारा थीम के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। और दूसरा है कि जब हम इसको रन करेंगे यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ, ये स्लाइड्स की स्लाइड्स चेंज हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है, 1 लिखा मैंने, सेकंड में लिखा 2, और थर्ड में लिखा 3, फोर्थ में लिखा 4। तो इस तरीके से जब स्लाइड्स चेंज होती है तो उनके बीच में हम एनिमेशन दे सकते हैं। जब मैं स्लाइड को रन करूँगा तो फर्स्ट स्लाइड आई, सेकंड आई, थर्ड आई, फोर्थ आई। स्लाइड्स जब चेंज हो रही है उनके बीच का एनिमेशन हमको देना है, तो हम थीम्स के अलावा एनिमेशन में स्लाइड ट्रांजिशंस होते हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ट्रांजिशंस हैं। तो मैं यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन लगा देता हूँ, ये वाला, सेकंड में मैं लगाता हूँ दूसरा ट्रांजिशन जो कि है ये, थर्ड में दूसरा कुछ और लगा देते हैं, इनके नाम भी आपको दिखाई देंगे यहाँ पर ट्रांजिशन के। जब आप किसी ट्रांजिशन के ऊपर माउस पॉइंटर रखेंगे तो उसका नाम आपको वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। इस तरीके से मैंने स्लाइड ट्रांजिशन लगाया है, और ट्रांजिशन लगाने के बाद जब हम इसको प्ले करेंगे या रन करेंगे तो स्लाइड पर जब स्विचिंग होगी, स्लाइड की जब चेंजेस होता है, तो आपको ट्रांजिशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई टू ऑल कर दूंगा तो सारी स्लाइड्स पर ट्रांजिशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें जो चेंजेस है बहुत माइनर आ रहे हैं, क्योंकि फॉन्ट पे ही चेंजेस लिखा हुआ दिख रहा है, बैकग्राउंड सेम होने की वजह से ट्रांजिशंस आपको डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं सभी के बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ताकि ट्रांजिशंस आपको अच्छे से डिस्प्ले हो। तो मैंने सभी के बैकग्राउंड्स यहाँ पर फिलहाल चेंज कर दिए हैं, और अब मेरे ख्याल से जो ट्रांजिशन है आपको काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग ट्रांजिशन अलग अलग स्लाइड्स पर देखने के लिए मिलेगा। इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं शुरू से। ये फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, देन एंड। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब भी यहाँ पर स्लाइड की चेंजेस हो रही है तो आपको यहाँ पर ट्रांजिशन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर 3।